Don't miss your favorite tunes, latest video updates. Just tap on the subscribe button. Ring the bell icon to get the instant updates. अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? भीम से तो जीतना ही होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जबरू मेरे दोस्त, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? आओ आओ गले लगो। मेरे दोस्त, मैं कबड्डी खेलने में व्यस्त था, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जीत कर आया हूँ, लेकिन तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? भीम के सामने नाक कट गई है, अब उसे किसी ना किसी तरह से हराना ही होगा। क्या? हाँ, उसने तो मुझे भी कई बार हराया था, लेकिन अब मैं कबड्डी में उस्ताद बन गया हूँ और अब मेरी बारी है उसे कबड्डी में हराने की। तो क्यों ना हम सब मिल जाएं और एक साथ उसे हराएं? ठीक है कीचक, तुम एक कबड्डी प्रतियोगिता रखो भीम और उसके दोस्तों के साथ। इस खेल में तो कोई मजा नहीं है भीम। क्यों ना हम छुपा छुपी खेलें? वो तो हम रोज खेलते हैं। बहादुर हो चुटकी, तुम बताओ तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया तू बता, तुझे किसका डर है? हाँ? ओह, मैं शेर हूँ, शेर किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी रात भर जागकर पूरा करने के बाद। वाह लड्डू,
वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। अपनी खोई हुई चीजें ढूंढ रहे हो? अगर चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम कैसे करोगे हमारी मदद? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि हमने ही तुम्हारी चीजें छुपाई हैं। अगर तुम उन्हें वापस चाहते हो तो हमारे साथ एक मुकाबला करना होगा। देखो ना, हम कोई मुकाबला चाहते हैं और ना ही कोई मारपीट। चुपचाप हमारी चीजें हमें वापस कर दो। लगता है हार हार के तुम थके नहीं कीचक। अब जीतने की बारी हमारी है, समझे? और मुकाबला तो तुम्हें करना ही होगा, वरना अपनी चीजें भूल जाओ। अच्छा ठीक है, एक आखिरी मुकाबला, उसके बाद कोई मुकाबला नहीं। जो हारा उसे अपनी हार माननी ही पड़ेगी। बोलो किस चीज का मुकाबला करना है? कबड्डी। तुम सबको कबड्डी का मुकाबला करना होगा। प्यारे दोस्तों और दोस्तों, कबड्डी का मुकाबला शुरू होने वाला है। पहलवान पुर वाले लग रहे हैं पहलवान, और ढोलकपुर वाले पिट्टी। जाओ। खेल हो गया है शुरू, और चुटकियों में चुटकी आउट हो गई है। जग्गू अब तुम जाओ और बहुत ध्यान से खेलना, घबराना नहीं। अब आ रहा है मस्त कलंदर जग्गू बंदर। जग्गू ने कर दिया है पहलवान पुर के खिलाड़ी को आउट। अरे वो देखो, जग्गू का भटक गया ध्यान, वो हो गया आउट। और अब भीम की बारी। भीम और कीचक का मुकाबला है जारी। अच्छा तो ये बात है, तुम तो बस अपना मुंह हिला रहे थे। जबरू की बोलती बंद हुई तो तुम्हारी भी हो गई। ये सोच रहे थे ना कि धोखे से हमें हरा दोगे। लाओ हमारा सामान वापस करो। हम अभी तक हारे नहीं है, समझे? मैं कबड्डी उस्ताद हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ। क्यों ना एक और मुकाबला हो जाए, लड्डू खाने की प्रतियोगिता कर लेते हैं। जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी लड्डू खाएगा वो जीत जाएगा। लड्डू खाने की प्रतियोगिता में मुझसे जीतने की सोचकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। मतलब जरूर पीटने वाले हैं। ए राजू, हट जाओ बाजू। दम है तो आगे बढ़ के दिखाओ। देखो पीट गए ना। अब ये रेस वेस छोड़ के घर पे बैठो, बड़ा या दमदार खेल।
खिलाड़ी। देखा मेरा कमाल। राजू ये कमाल तेरा नहीं आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम मैं तो भूल ही गई। मानी तुम्हें बुलाया है।